Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all will be fine. So today my topic is how to obtain good marks in exam. So सब चाहते हैं अच्छे marks लाना exam में. So उस exam में अच्छे marks लाने के लिए पहले हमें mistakes के बारे में बात करना पड़ेगा. उसके बाद हम बताएंगे कि how to obtain good marks in your exam. So let's start with the mistakes which we will do in the exam. So firstly, learn from your mistakes. हर बार जो गलतियाँ होती हैं उसे आप अवॉइड करने की कोशिश करें. वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती हैं तो उस पर ध्यान रखिए कि वो मिस्टेक्स दोबारा फिर से ना हो. आप जो गलती कर रहे हैं कोशिश करें कि उन गलतियों को धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू करें. सबसे पहले उन गलतियों को आप पॉइंट आउट करें एंड देन पॉइंट वाइज उसे मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करें. So this is the greatest mistake I think which everyone do. So you don't have to focus on others marks. Firstly you have to focus on your marks. So अपने mistakes को सुधारिए. कोशिश करिए कि marks अच्छे आएँ. So उसके लिए दूसरों के marks पे focus मत रखिए. अपने marks पे ज़्यादा focus करिए कि आपकी कहाँ mistakes हुई हैं, कहाँ कौन सी गलती हुई है. So you have to see that before focusing on others marks. एंड द सेकेंड मिस्टेक इज़ फियर ऑफ डूइंग मिस्टेक्स. हम सब परेशान हो जाते हैं मिस्टेक्स करते हैं. सो उसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी ख़राब हो जाता है. तो उसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम मिस्टेक्स करें. जो मिस्टेक्स आप कर चुके हैं कोशिश करिए कि वो गलतियाँ दोबारा पेपर में ना हो. एंड धीरे धीरे मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करिए. अपने मिस्टेक्स से लर्न करने की कोशिश करिए. एंड दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि पैनिक मत होइए किसी भी चीज़ से. बिकॉज टाइम दीजिए, हर चीज़ में टाइम लगती है. सो धीरे धीरे ही मिस्टेक सुधरेगी. एकदम से कुछ नहीं होता. सो ट्राई टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स. एंड द थर्ड मिस्टेक इज़ वी डू सिमिलर कॉमन ओल्ड मिस्टेक्स. हम हर बार वही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते. सो हम कोशिश भी नहीं करते उसे ठीक करने की. सो आप अपने जो आपके ओल्ड मिस्टेक्स हैं उसे कोशिश करिए पहले मिनिमाइज़ करने की. उसके बाद अगर वो मिस्टेक्स फिर से होती हैं तो आप उस पर पहले ध्यान दीजिए ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो. सो दिस इज़ द थर्ड मिस्टेक्स विच वी ऑल हैव डन. सो ट्राई टू मिनिमाइज इट. Now these are the mistakes which we all did, and now I will tell you that how to obtain good marks. So there are some tips which I am going to share with you. So let's start with the tips. Now firstly I will tell you to pay attention. आप जो पढ़ रहे हैं जितना पढ़ रहे हैं कोशिश ये करिए कि थॉरली पढ़िए. उस पर अटेंशन आपका पूरा होना चाहिए. एंड कोशिश ये करिए कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं सो 40 मिनट का अगर क्लास है सो ट्राई करिए कि उस पूरे आर में आप पूरी अटेंशन दें उस टॉपिक पे. एंड अगर घर पे भी आप पढ़ रहे हैं सो कोशिश यही करिए कि आप थॉरली पढ़िए. एंड ट्राई करिए फोकस करने का उस टॉपिक पे. क्योंकि आई डोंट थिंक पूरे दिन बुक लेके बैठने से आई थिंक फ़ायदा होता है. आप 24 आर में अगर 8 to 10 आर भी पढ़ रहे हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट एंड पे अटेंशन टू वॉट यू आर स्टडिंग. Yes friends, if you want to obtain good marks then you have to make notes. So book में पूरे topic को पढ़ना cover करना I don't think that's beneficial. क्योंकि उतना पढ़ पाना and उतना minimize याद कर पाना उतना possible नहीं है. So कोशिश ये करिए कि उस पूरे chapter को minimize करके एक short note बनाइए, एक summary बनाइए ताकि exam के time पर आप उसे याद रख सकें and कोशिश ये कर सकें कि वो पूरा prepare हो जाए. And the second thing which you all have to do is to do revisions. आप try करिए कि उन सारी चीज़ों को जिस आपने notes बनाए हैं उसे revise करते रहिए. क्योंकि अगर आप revise नहीं करेंगे, revision नहीं करेंगे so आप उसे भूल जाएंगे and you will then make mistakes. So you have to do revisions regularly. जो important subjects हैं and important chapters हैं या important topics हैं so उन सब चीज़ों को आपको regularly basis पे याद करना है. जो आपके weak subjects हैं उसे try करिए पहले focus करने के लिए. and जिसमें आपका अच्छा खासा command है उसे आप weekly revise कर सकते हैं. लेकिन जो आपका weak point है उसे daily revise करते रहिए so that you can obtain good marks.
Now this step is really very beneficial. You have to practice by writing points. जितनी बार आप practice करेंगे उतनी बार आप अच्छे से remember कर सकेंगे उन सब चीज़ों को. So कोशिश ये करिए कि आप जो भी लिखें उसे writing way में लिखें. आप कोशिश करिए कि उसके diagrams को, उसके short notes को एक बार अच्छे से practice करके लिख सकें ताकि exam में आपको कोई difficulty ना हो. And आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपकी practice होगी exam के लिए. आप जितनी बार diagram बनाएंगे, formulas याद करेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा and वो आप भूलेंगे नहीं फिर exam में. That's one of the most beneficial point that you have to solve the previous papers. If you are preparing for your boards or your medical or your engineering, and if you are also pursuing your Bachelor of Science or any other courses, then also you have to solve the previous papers. क्योंकि maximum times जो important चीज़ें होती हैं जो papers में हमें मिलती हैं वही questions repeat होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा. So before doing any mistakes, you have to solve the previous papers by which you can minimize your mistakes. Taking proper nap is also very beneficial step for obtaining good marks. क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं रखेंगे then आपका mind frustrated रहेगा, आप परेशान रहेंगे. So अगर आप चाहते हैं आपके marks अच्छे आए तो 6 to 8 hours की nap बहुत ज़रूरी है. कोशिश करिए minimum 6 hours होना ही चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेश माइंड से पढ़ने से आई थिंक ज़्यादा याद होता है. सो कोशिश करिए कि अच्छी नींद लीजिए सो अच्छे से पढ़ पाइएगा आप. सो 6 hours की नैप बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी. नाउ दिस इज़ द कोर थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू. यू हैव टू टेक वीक सब्जेक्ट्स फर्स्ट. जिन सब्जेक्ट्स में आपको डर लगता हो, आपका प्रिपेयर नहीं हो, तो कोशिश करिए उन सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर करने की. क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हैं वो बाद में भी अगर आप प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे सो प्रिपेयर हो जाएगा. लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं सो उन पे फोकस ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, सो कोशिश करिए कि अपने वीक सब्जेक्ट्स को पहले उठाइए, उन्हें पहले तैयार करिए. देन आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन्हें टाइम अगर आप कम देंगे देन ऑल्सो वो प्रिपेयर हो जाएंगे. लेकिन जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है. नाउ कंसल्ट इंस्ट्रक्टर. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो कोशिश करिए कि आप अपने टीचर से और योर ट्यूशन टीचर और आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो, कोशिश करिए कि अपने इंस्ट्रक्टर से पूछिए, उसका सॉल्यूशन पूछिए. कोशिश करिए कि पूरा प्रिपेयर रहे, कहीं से कोई भी कमी ना हो. नाउ द की पॉइंट इज़ टू टेक अ ब्रेक. अगर आपने 1 to 2 hours स्टडी की है सो बीच में आपको ज़रूरी है एक ब्रेक लेना. कोशिश करिए शॉर्ट ब्रेक लीजिए 5 to 10 minutes का, जिसमें आप अपना फ़ोन चेक कर सकते हैं और टीवी देख सकते हैं जो आपको पसंद हो. सो कभी भी कॉन्टीन्यूसली ना पढ़ें. कोशिश करें बीच में छोटा ब्रेक लें, उसमें आप चाहें तो अपना सो सकते हैं, एक लिटिल नैप ले सकते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बट ट्राई टू हैव अ लिटिल ब्रेक बिटवीन योर स्टडिंग सेशन, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम. एग्ज़ाम से पहले कोशिश करिए कि हैवी मील्स ना लें. छोटा सा ब्रेकफास्ट और स्नैक्स कुछ खा लें लेकिन हैवी मील्स ना लें ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, लेजीनेस ना लगे आपको. सो द लास्ट स्टेप इज़ यू हैव टू स्टडी अर्ली. ट्राई करिए कि आप मॉर्निंग में अलार्म लगा के उठिए एंड देन हैव योर कॉफ़ी और योर टी, देन पढ़ने बैठ जाइए. आप कोशिश ये करिए कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन देंगे अपने सब्जेक्ट को उतना अच्छा परफेक्ट बनेगा आपका वो सब्जेक्ट. सो ट्राई करते रहिए कि उन सारी चीज़ों को रेगुलर रिवाइज करते रहिए. एंड द लास्ट स्टेप इज़ ईट वेल. कोशिश करिए कि आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, मॉर्निंग में 1 bowl दाल पिए. एंड द थिंग विच यू हैव टू अवॉइड इज़ टू अवॉइड द जंक फूड इन योर एग्ज़ाम. कोशिश करिए कि एग्ज़ाम टाइम में जंक फूड्स को अवॉइड करें एंड ट्राई टू ईट हेल्दी फूड. कंसिडर हैंड राइटिंग. एग्ज़ाम में आपने सुना भी होगा कि हैंड राइटिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है एंड दैट्स ट्रू. कोशिश यही करिए कि हैंड राइटिंग अच्छी बनाएंगे सो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा. पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे देन ऑल्सो
सो ट्राई टू मेंटेन द गुड हैंड राइटिंग इन द एग्ज़ाम बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स. स्टडी इन ग्रुप्स इफ़ पॉसिबल. ग्रुप्स में पढ़ने की कोशिश करिए क्योंकि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में या किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है देन आपका कोई फ्रेंड आपको वो बता सकता है एंड दैट फ्रेंड इज़ ऑल्सो हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल. सो बाय ग्रुप स्टडिंग ऑल्सो मैनी प्रॉब्लम्स विल बी मिनिमाइजिंग. सो ट्राई टू स्टडी इन ग्रुप्स इफ इट इज़ पॉसिबल. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नोटिस इज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज एवरी मिनट इज़ बेनिफिशियल. अगर आपका एग्ज़ाम है अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो कोशिश करिए आप एक एक टाइम को यूज़ करें यूटिलाइज करें उस आर को. सो ट्राई टू मेंटेन द टाइम बिकॉज जो समय आपका जा रहा है वो दोबारा नहीं आएगा. अगर आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको टाइम दिया है तो कोशिश करिए कि उस टाइम को आप यूज़ कर सकें आप अपना फ्यूचर बना सकें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम एंड विच मिस्टेक्स विच वी ऑल डिड इन द एग्ज़ाम एंड बिफोर एग्ज़ाम. सो ट्राई टू मिनिमाइज इट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप दिस विल हेल्प यू आउट. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप सपोर्टिंग.